गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं जा रहा हूँ नहाने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और दम सूरज असल में क्या है कि बिल्कुल हम सामने हैं और मेरा गेट भी जो है ये तीसरा नंबर वाला गेट है, तो रूम में से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ नहाने। अभी देखो कौन सा बाथरूम खाली है, ये बाथरूम भरा हुआ है, इसमें जाना नहाने का सही रहता है, पर ये भरा हुआ है अभी, ये वाला खाली है और एक ये वाला खाली है, तो अभी इसमें नहाएंगे अभी हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो डस्टबिन है वो बिल्कुल ही सही जगह पे है, पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं और इसी डस्टबिन में डालते हैं, तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है। इसे देखते हो कि साफ़ सफाई जो है पूरे एरिया की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी कहीं भी कचरा नहीं है और रोड म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है और कचरा को बिल्कुल ले आती है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छा है। गाइस हम लोग रहा के रेडी हो चुके हैं बिल्कुल भी, अब तक हो गया कि एकदम मेरा बाल भींगे हुए हैं, अभी जस्ट आया, अभी थोड़ा धूप सेक रहा हूँ, थोड़ा सा सही हो जाने दीजिए, सर फिर रूम में जाएंगे। अभी हमारा नाश्ता ये बिस्किट रहता है रोज़ सुबह का, आज जो है हमें ढोकला मिला था पर हमारा पेट नहीं भरा उससे, तो हम अभी ये वाला बिस्किट खा रहे हैं और उसकी जगह पर एक और बिस्किट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये भी खाएँगे बाद में। भूख लगती है दोस्तों तो हम लोग ऐसे ही ऐसे किसी भी ठेले वाले को रोक के यहाँ से इनसे ख़रीद लेते हैं कोई भी चीज़, तो वही जा रहे हैं भैया के पास अभी नमकीन लेने के लिए, पहले यहाँ पे थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। अब इतना बोर होने लगता है कि ना लेजी आने लगती है, ना देख रहे हो मेरा दोस्त का ये बिस्तर है और उसकी कम्बल पर मैं सोया हुआ हूँ पूरा। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इस रोड पर स्पेशली सुबह में कि क्या ही बताया। अभी देखिए क्या व्यू तो मस्त आ रहा है, अभी कुछ भी कहिए आप लोग, व्यू तो मस्त है यहाँ का। कुछ व्लॉगर्स जो है शेयर का ड्रेस पहन के भी व्लॉग करते हैं और मैं व्लॉग कर भी रहा हूँ। मेरा बाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इधर इधर से उन्हें बाल निकलने लगे हैं पूरे। आज संडे नाइट है, यहाँ पे खाना नहीं बनता, ये मुझे आज पता चला, तो अभी जा रहा हूँ डिनर करने। भाई लोग ये फरारी प्रो है, फरारी प्रो। खाना जो है ये पैक हो गया है, 3 प्लेट इसमें है और 1 प्लेट मेरे फ्रेंड के पास है, दोस्त का बर्थडे था तो उसने ये मंगवाया है। हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये सारे सॉसेज जो हैं बहुत सारे बर्गर का अनबॉक्सिंग कर चुके हैं हम। ये रहा हमारा बर्गर, इसके अंदर जो है बहुत कमाल की चीज़ है, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो बस बर्थडे के नाम पे बस मेमोरीज में अभी कचरा बचा हुआ है और अब ये बचा हुआ टिश्यूज बहुत सारे। ये बनाने का प्रोसेस, ये हमारे कुक जो है अभी मैगी बना रहे हैं, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। ये मसाला डालते हुए पूरा इस बॉक्स में से खतरनाक, मैं लाल मिर्च और झोंक दे। एक पैकेट मैगी है और इसके अंदर एक पैकेट मैगी है और इससे हमारा काम हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मैगी, बहुत ज़्यादा मैगी है, मतलब आप देख सकते हो। विपुल भाई जरा दिखाओ तो मैगी कितना है, देखो गाइस देखो इतना सारा मैगी है, वो भी बहुत गहरा में है, पूरा अंदर तक मैगी भरा हुआ है पूरा। ये देखो गाइस, ये देखो रंजन भाई तू भी देख कितना सारा मैगी है, इतना सारा मैगी कैसे खाएंगे इतना सारा मैगी अकेले। ये देखो पूरी तैयार हो चुकी है और बहुत सारी मैगियाँ हैं, अब खाएंगे। अब बस कितनी एक बनी है ना भाई, बहुत मस्त बनी है मैगी, खाने में एक नंबर लग रही है।
खाने के बाद जो है हमें भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो हम लोग ये पिज्जा मंगवाते हैं, बहुत सारे पिज्जा। ये देखिए ये डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, सब में चीज भर भर के दिया है भाई, बहुत ज्यादा है भाई। सबसे ज्यादा तो ये दिया है, देख ये तीन पिज्जा आया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसमें डिस्काउंट मिलता है गाइस। इसका कुछ होता नहीं है, सिर्फ दिखाने वाला है बस ये, और इसका कोई काम नहीं है। ये देखो चीज का क्वालिटी देखो, एकदम लग रहा है कि मतलब सिर्फ चीज ही पे पिज्जा बनाया ही है। वाले इसको बीच में से काटना ही भूल गए, तो इतना बड़ा पिज्जा उठ गया एक ही बार में। कोई नहीं, इसको भी खा लेंगे। आपको होप करता हूँ कि वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय।